ये क्रिसमस से पहले का ओकेजन है जिसको हम कैरल सर्विस कहते हैं, जिसके अंदर सारी कैरल्स जो हैं जिसमें गीत गाए जाते हैं, लोग घर में जो हैं आते हैं ग्रुप्स बन के मुख्तलिफ चर्चेस से, और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, गीत गाते हैं, इंजॉय करते हैं, और गिफ्टिंग होती है एक दूसरे के बीच में। इसके अलावा जो है हम लोग यहाँ पर जब हमारा क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है, जिसमें हम लोग चर्च के जो सर्विसेज होती हैं, मास होती है, इबादत होती हैं, उसके अंदर शरीक होते हैं। और हमारे क्रिसमस का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम अमन सलामती के साथ जो है वो पैगाम देना चाहते हैं, सारे जितने भी हमारे मज़ाहिब हैं हम उन सब के साथ यकजहत होकर जो है वो मोहब्बत सलामती का पैगाम देते हैं। एज अ पाकिस्तानी आज़ादी है हर तरह से अपने इस ख़ास ओकेजन को मनाने की, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी हमें इस चीज़ के लिए फैसिलिटेट करती है, अलाउ रखती है कि हम हर तरह से अपने ओकेजन को बेहतरीन से बेहतरीन, कामयाब से कामयाब बना सकें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेहरान ट्रिब्यून का, जिन्होंने हमारे इस ओकेजन में हमारा साथ दिया। हमारे लिए आज बड़ी खुशी का दिन है, और यीशु मसीह का जो आने का मकसद यही था कि पूरी दुनिया के कबीलों को, ख़ानदानों को ये बताया जा सके कि हम मिलजुल कर रहें, तो फ़र्क छोड़कर हम प्यार मोहब्बत से जिएं, और इन बातों से यीशु नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है।